नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। थाना बुढ़िया क्षेत्र के गांव दादूपुर हेड में दर्जनों लोगों ने एक घर पर लाठी डंडों और हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान हमलावरों ने घर में घुसकर एक लड़की को जबरन उठा लिया, जिसकी शादी 23 अप्रैल को होनी है। उसको उठाकर गली में घसीटते हुए ले गए। जब लड़की ने शोर मचाया तो लोग घरों से बाहर आए और हमलावर लड़की को गली में छोड़कर भाग गए। भागते हुए हमलावरों की ये घटना पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। गांव दादूपुर हेड के कुछ व्यक्ति शिकायत लेकर बुढ़िया थाने पहुंचे कि उनके घर पर रातों कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया। उन्होंने शिकायत में बताया कि बेटे और बहन का अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन बेटे को किसी तरह हमलावरों से छुड़वाकर अपनी पत्नी को दे दिया तो वो बेटे को रसोई में लेकर चली गई। इसके बाद हमलावर उसकी बहन को उठाकर ले गए, जिस पर उन्होंने उसकी बहन की टांगों पर डंडे, लाठियां और पत्थर मारे। जब उसने शोर मचाया तो गांव के लोग बाहर निकले, जिसको देखते ही वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर भागने में कामयाब हो गए। उन्होंने गांव किशनपुरा माजरा के कुछ लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके घर पर लाठी और डंडों और हथियारों से हमला कर बहन की शादी के लिए रखे जेवरात अलमारी से निकाल दिए गए और उसके बाद उसकी बहन का अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए और सड़क के बीच में ही उसकी बहन को छोड़कर भाग गए। भागते हुए हमलावरों की वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई। उन्होंने कहा है कि उसकी बहन की शादी 23 अप्रैल को होनी है। इसकी शादी के जेवरात और अन्य सामान हमलावर लेकर फरार हो गए और जाते हुए जान से मारने की धमकी दे गए हैं। वहीं पर घायलों को ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए ले जाया गया। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव ज्वाली की रिपोर्ट। अंशुल, हुआ क्या आपके साथ? सर, मेरे भाई मारपीट करने आए थे। क्यों, क्या कारण रहा? क्योंकि मैंने कोर्ट मैरिज करी थी। तो अपनी मर्जी से की थी इनके साथ, विकास के साथ? जी, अपनी मर्जी की थी। तो घर वालों को क्या विरोध कर रहे थे? अच्छा, तभी तो मारना आए थे। मेरे पति ने मारना आए थे, मैंने मारना आए थे। उन्हें घर पर बुलाया, मेरे भाई ने, मैं खुद बुलाई घर पर। मेरा पति बुलाया, परिवार वाले बुलाए मारने वास्ते। तो आपके किस किस को चोट लगी आपके परिवार में से? यहाँ मेरे ननद को लगी चोट, तो मेरे पति को। तो क्या मारने वाले थे? छोटा सा बच्चा मेरा, डेढ़ साल। तो शादी भी है, शादी किसके घर में? शादी में ननद के। आपके ब्रदर थे क्या? आपकी शादी से खुश थे? खुश थे। तो कैसे तंग? मेरा भाई मैंने मारना चाहता शुरू थी, जब से शादी करी थी मैंने तब से ये मारना चाहता था। परिवार वालों ने मेरे जो बच्चे है उसने मारने की कोशिश करी, घर बुलाए उसने, भी घर आ जाता हूँ मेल कराने, पर मेल नहीं करा उसने, मारने वास्ते बुलाए थे। फिर बाद में घर भी आए, हमारे घर आए खुद में, ईंटा पत्थर मारे उसने, डंडे लेकर आए, तलवारा लेकर आए हमारे घर, अंदर भी गए घर में, बच्चे ने मारने लगे मेरे छोटे अलमारी खोली, जेवर जूवर ले जो गए सारे, भी लड़की शादी है उसने मारने की कोशिश करी। उस डेढ़ साल के बच्चे का इसमें क्या? तो क्या आपका बदला वो आपकी ननद से ले रहे हैं? ननद से भी ले रहे, पूरे परिवार से ले रहे जो बदला। तो आपके हस्बैंड को परिवार बुलाया उन्हें अपने घर में, पूरा परिवार आओ, मेरे भाई ने बुलाया। तो कितने लोग घायल है आपके परिवार में से, किन किन को चोटें लगी? मेरे परिवार में एक मेरी ननद है, एक मेरे पति, दोनों को बहुत चोट, सिर में टांके लगे, छोटा सा बच्चा उसने मारने की कोशिश करी। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है आपके मामले में? बच्चा बॉर्डर है जी, बुखार हो रहा। पुलिस कहाँ कार्रवाई कर रही थी? अगर जो पुलिस कार्रवाई करती तो यहाँ तक क्या मामले? अगर पुलिस कार्रवाई करे तो सर समाज में इतनी वारदातें क्यों? पुलिस कार्रवाई टाइम पे करती नहीं है ना? सर बाली क्या कर सकती है, शादी कौन सी बड़ी बात है, और अपनी कास्ट में की है, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि इंटर कास्ट की है, आजकल तो इंटर कास्ट भी हो गए। तो मैडम डीएसपी साहब से मिले हैं, क्या मामला है, किस बात को लेकर? सर कल रात 10:30 बजे एक मेरे पास फोन आता है मेरे साथी का, अमनदीप कौर का, दादूपुर हेड से, कि मेरे गांव में एक बच्ची को जबरदस्ती 23 तारीख को शादी है और जबरदस्ती उसको उठा के घसीटते हुए कुछ 10-15-20 लड़के लाठी डंडे और दो के पास पिस्टल तक थी। कौन लोग थे हमलावर? हमलावर रिश्तेदारी थे अब इनके। क्या लगते हैं रिश्ते में? रिश्ते में भाई विकास के साला है। तो क्या कारण है जो आज आप डीसीपी साहब के मिलने के लिए आके? कल रात से हमने कंप्लेंट दे रखी है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। 23 तारीख को विकास के बहन की शादी है, जिसको वो दबंगई आए रात को
घर से घसीटते वो बाहर तक ले गए, और हो सकता था उसका कुछ मिसहैपनिंग बस हो सकती थी अगर गांव वाले वहां पे मौके ना उसे पूरी तरह से अपहरण करने की कोशिश करी। डेढ़ साल बच्चे के साथ मारपीट कर रहे हैं, लाठी डंडे हंसा, वो क्या जिताना चाह रहे हैं कि एक लड़की ने शादी कर गुनाह कर लिया, बालिग थी, अपनी मर्जी से शादी कर ली तो फिर क्या था, अब इतना लंबा समय हो चुका है तो क्या दिक्कत थी। उन्होंने देखा कि शादी का माहौल है और इस तरह से उन पर हमला करने की कोशिश करी। इस मामले में हम डीएसपी साहब से मिले कि हमें पुलिस प्रशिक्षण दी जाए, क्योंकि 23 तारीख पूरी रात वो हमला करने के बाद भी अपनी गाड़ी पे घूमते रहे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।